गंदा मौसम और नज़ला जुकाम कुछ ऐसे एक दूसरे से जुड़े हैं कि कौन पहले आया, अक्सर तो ये पता ही नहीं चलता। बच्चों को नज़ला हो जाए तो हम दोनों मियां बीवी अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस करते हैं। बेन 4 साल सोफी समेत 3 बच्चों के वालिद। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस उम्र के बच्चों को साल में कम से कम 4 से 5 मरतबा नज़ला होना मामूल की बात है, जबकि बालिग अफराद में नज़ला होने की ये शरह साल में 2 से 3 बार है। डॉक्टर रनित मिशोरी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के फैमिली मेडिसिन के शोबे में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। नज़ला जुकाम के 200 मुख्तलिफ वायरस हैं। लोग समझते हैं कि एक दफ़ा उन्हें जुकाम हो गया तो बाकी की तमाम उम्र के लिए उनके जिस्म में इसके खिलाफ मुदाफियत पैदा हो गई। ताहम नज़ला जुकाम से मुतालिक आम पाया जाने वाला ये वाहिद ख्याल नहीं जिसकी मेडिकल साइंस तायद नहीं करती। हम में से कितने ही हैं जिनके ख्याल में नज़ला होने की बड़ी वजह ठंड का लगना है। There are some studies कुछ स्टडी से साबित हो चुका है कि सर्दियों में लोग नज़ला जुकाम से ज्यादा मुतासर होते हैं, लेकिन इसकी वजह ठंडा मौसम नहीं बल्कि लोगों का ठंड से बचने के लिए घरों और इमारतों में इकट्ठे बंद रहना है। और नज़ला जुकाम का वायरस हाथ मिलाने, दूसरों के नज़दीक छींकने या खांसने से फैलता है। डॉक्टर मिशोरी इस ख्याल की तायद करती हैं कि नज़ले की बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जिनसे इसके दौरानिए और इसकी अलामात की शिद्दत को कम किया जा सकता है। हम उन्हें माल्टे का जूस पीने के लिए देते हैं क्योंकि हमारे ख्याल में विटामिन सी से नज़ले पर काबू पाने में मदद मिलती है। विटामिन सी में नज़ले से बचाव की खासियत होने की तो मेडिकल साइंस तर्दीद करती है, लेकिन इसके इस्तेमाल से नज़ले की अलामात की शिद्दत में कमी लाने का कुछ सबूत ज़रूर मौजूद है। लिहाजा अगर आप नज़ला होते ही विटामिन सी की तकरीबन 2 ग्राम मकदार रोजाना लेना शुरू कर दें तो इससे हो सकता है कि आपका नज़ला कम दिनों में ठीक हो जाए। इसके अलावा तिब्बी साइंस नज़ले की बीमारी में शहद के इस्तेमाल और मुर्गी की जखनी को भी मुफीद साबित कर चुकी है, लेकिन मामूल से ज्यादा खाना खाकर नज़ले को मार भगाने के ख्याल को तिब्बी साइंस गलत मानती है। नज़ले के दौरान अगर आपका खाना खाने को जी नहीं भी करता तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको माया चीज़ें ज़्यादा पीनी चाहिए, पानी पिए या चाय। आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं कभी भी किसी ऐसे बीमार बच्चे को दूध नहीं दूंगी जिसे बहुत ज़्यादा रेशा हो। मेरे बेटे को यह मसला था और दूध पीने के बाद वो कह कर देता था। ये है इन बच्चों की नानी नजीन ऑड्रे, जिनकी राय में नज़ले के दौरान बच्चों को दूध देना अच्छा नहीं। Dairy products do not cause increased secretions. डेयरी प्रोडक्ट्स रेशे के ज्यादा बनने का बाइस तो नहीं, लेकिन इनसे रेशा ज्यादा गाढ़ा जरूर हो सकता है। मुमकिन है कि दूध पीने से तकलीफ कुछ बढ़ जाए, लेकिन अगर एक दूध पीता बच्चा नज़ले से मुतासर है तो उसे इस खदशे से दूध ना देना मुनासिब नहीं। यकीनन इनके अलावा भी साइंसी नुक्ता नज़र से गलत कई आरा आम है। बहुत से ऐसे टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी अफादियत का कोई मेडिकल सबूत मौजूद नहीं, लेकिन एक आम ख्याल ये है कि अगर इनसे आपके नज़ले की शिद्दत में कमी आती है तो किसी साइंसी सबूत को खातिर में लाए बगैर इनका इस्तेमाल जारी रखिए, क्योंकि अगर इनसे नज़ला कम नहीं होगा तो बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि इसे तो अपनी मियाद पूरी करने पर ही जाना है। आयशा खालिद, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।